तो ट्रेन के कांच का कुछ ऐसा हाल हुआ है। इसको गाड़ी को बैठ करके चलाए होते तो ये देखो कितने पत्थर फंसे, देखो देख रहे हैं? यही पत्थर लग रहे थे उड़ उड़ के, ये भी टूटा उठाया इसने। अरे ये लटका हुआ है, देखिए ना कुछ ये लटका हुआ है, ये कुछ ये वही सब डायनामा बेल्ट है ना, ये लटका हुआ है पूरा नीचे तक लटका है, इसी से हो रहा है जो है, देखिए ये पूरा नीचे लटका हुआ है। दोस्तों ये यात्रा है मेरी मरुधर एक्सप्रेस की, जिसमें हम लोग जयपुर से अपने गंतव्य तक यात्रा कर रहे थे। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा जयपुर से आगरा तक की खूबसूरत यात्रा भरतपुर वाले रास्ते से। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एक रोमांचक घटना जो हमें जिंदगी भर की कुछ सीखें दे करके गई। ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा मेरे कारण, चलते हैं वापस सीट के अंदर। यमुना नदी के दर्शन तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ टूंडला से निकलने के बाद अभी अचानक से हमारी ट्रेन रुक गई है, इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए हैं। हो सकता है कोई जानवर ट्रेन के नीचे आ गया था, बहुत तेज़ चल रही थी, हमें तो लगा कि डिरेल ही हो गई होगी, लेकिन सभी लोग नीचे उतरे हैं, स्टाफ वगैरह सब देख रहे हैं क्या हुआ है। मुझे लगता है कोई जानवर फंस गया ट्रेन के नीचे, लाइट से चेक किया जा रहा है, वहाँ शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। सबकी टॉर्चें ऑन है, जुगनू जैसी फीलिंग आ रही है जगमगाते हुए लोग, डाउन पर सिग्नल भी ग्रीन है। ठंड में ट्रेन आ करके रुक गई एक जगह पे। सामने से आती हुई गुड्स ट्रेन भी यहाँ रुक गई है हमारी ट्रेन की हेल्प करने के लिए, शायद यहाँ के लोको पायलट भी हेल्प कर रहे हैं। ट्रेन से कई मांस के टुकड़ों को काट के निकाला गया है और देख सकते हैं आप लोग सिग्नल तो खैर ग्रीन है, लेकिन ये गुड्स ट्रेन हमारी हेल्प के लिए ही रुकी थी। लोको पायलट्स में कुछ आपस में बात हुई है और यहाँ भी और इस ट्रेन का मूवमेंट यहाँ से होता है और हम लोग पता नहीं कब बढ़ेंगे। जो डाउन में मालगाड़ी जा रही है उसके गार्ड साहब भी देखिए हमारी ट्रेन के जो व्हील्स उन्हें चेक करते हुए जा रहे हैं, कहीं कुछ व्हील्स में इशू ना हो, कहीं पूरी जो आगे जाकर के ट्रेन को दिक्कत दे, इन सभी चीज़ों को चेक करते हुए गुड से निकल गई है। अभी भी हमारी ट्रेन लगभग 40 मिनट हो गए यहीं खड़ी हुई है, चली नहीं है। लोकोमोटिव ने 2-3 बार हॉंक दिया लेकिन ट्रेन का संचालन नहीं हुआ है अभी भी। लगभग 40-45 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का मूवमेंट यहां से हुआ है और धीरे धीरे चल रही है। देखते हैं अगले स्टेशन में शायद इसकी जांच भी होगी, क्या दिक्कत आई है, रोलिंग स्टॉक सब कुछ सभी चीज़ें चेक होंगी फिर से। लेकिन चलते चलते ब्रेक भी ट्रेन अप्लाई कर रही है, चेकिंग चल रही है मुझे लग रहा है लगातार कि क्या इशू आया था और अभी भी वो इशू है कि नहीं। धीरे ही धीरे हम अगले स्टेशन तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर लोकोमोटिव में कुछ इशू आया होगा तो उसे चेंज किया जाएगा। कुछ तो इशू आया है इसमें, आवाज़ कर रहे हैं। अभी भी जो ट्रेन के पहिए वो आवाज़ कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में कुछ फंसा हो या पत्थर फिर रहे हो लगातार ट्रेन से। व्हील्स की हालत कुछ ठीक लग नहीं रही है, बहुत झटके लग रहे हैं अंदर, आवाज सुनो जैसे पत्थर फिर रहे हो। लगता नहीं है ट्रेन की हालत देख करके कि अगले स्टेशन तक ये ठीक ठाक पहुंच पाएगी।
दोस्तों हमारी ट्रेन को शिकोहाबाद से भी अभी निकाल दिया गया है। मुझे तो लगा था कि यहाँ रोक के चेकिंग होगी, पर इतनी आवाज़ों के बाद भी ट्रेन का जो मूवमेंट है उसे रोका नहीं गया है। देखते हैं अगले स्टेशन तक क्या स्थिति रहती है। पूर्वा एक्सप्रेस हमारी ट्रेन के पीछे लगी हुई है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ओवरटेक देखने को मिले। और ठंड और कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बाहर नहीं रहेंगे, अंदर चल के अंदर से जो बातें हैं आपसे होंगी। अब तो दोस्तों कोच की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, लगता नहीं कब तक बचेगा ये कोच, और हंसी आ रही है और साथ में लग भी रहा है कि पता नहीं रोका क्यों नहीं जा रहा इस ट्रेन को जबकि साल में चल रही है। बिल्कुल ख़राब और नाजुक स्थिति में है ये कोच और स्पीड भी ली जा रही है, पिकअप हो रहा है। एक डर का माहौल बन गया अभी कोच के अंदर और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है इस कोच की वजह से या इस कोच के कारण। लग रहा है टूटे हुए टुकड़ों में कोच भाग रहा है। बाप रे भयंकर आवाज है, पता नहीं यार, मतलब हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है, क्या ना हो जाए कभी किसी भी समय। खिड़कियों में पत्थर लग रहे हैं आके बाहर से, ट्रेन को रुकवा देना चाहिए। फॉरेन की मूवीज तो नहीं होता है दोस्तों। आज 22 दिसंबर है, समय 9:10 और मैं कुछ अपने अंतिम पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से अपने घर में कॉल करो, जिसे बात करनी है बात करो, क्योंकि यहाँ पता नहीं यार बहुत डर लग रहा है, कुछ भी सेफ लग नहीं रहा है। ऐसे चलती रही तो नहीं पहुँचेगी लखनऊ तक, लखनऊ के कानपुर भी नहीं पहुँचेगी ऐसे। पक्का कहीं ना कहीं यहाँ कहीं कुछ फंसा है। हाँ अभी फिर से रोक दिया ना, देखो लगातार पत्थर पड़ पड़ के उसके निशान भी आ गए इसमें। इसको गाड़ी को बैक करके चलाए होते तो ये देखो कितने पत्थर फंसे, देखो देख रहे हैं यही पत्थर लग रहे थे उड़ उड़ के, ये भी टूटा सिखाया इसमें। हाँ यही वाला आवाज़ दे रहा है कुछ। अरे नहीं उधर भी सब आवाज़ दे रहा है, सब आवाज़ दे रहा है, नहीं इसी का भिड़ के लग रहा है पत्थर, देखो ना इसे उड़ा हुआ है, देखो वैक्यूम रिलीज कर दिया गया है गाड़ी का। नहीं आगे देखिए उससे कंकड़ उंकड़ उसमें मतलब उछले, उसी वाले से उछल रहे उसमें मार। अरे ये लटका हुआ है देखिए ना कुछ, ये लटका हुआ है, ये कुछ ये वही सब डायनामा बेल्ट है ना, ये लटका हुआ है पूरा नीचे तक लटका है, इसी से हो रहा है जो है, देखिए ये पूरा नीचे लटका हुआ है, अरे पूरा नीचे लटका हुआ इसमें बेल्ट सर, ये बेल्ट लटका हुआ है नीचे। पूरा वो यही पूरा घिस रहा है, एक एक पटरी
क्योंकि एक पटरी पे घिस रहा है लोहा। घर परिवार वालों को कॉल कर लिया था क्या? जैसे चल रही थी मन कर रहा था सबको कॉल कर ले एक एक बार। तो ट्रेन के कांच का कुछ ऐसा हाल हुआ है। इन सभी चीजों के बाद ट्रेन के कांच की हालत, फिलहाल हम लोग इटावा पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल एक घंटे के डीले के साथ हम लोग चल चुके हैं इटावा से, और इटावा पे जो ट्रेन में नीचे फंसी हुई चीज़ें थी उन सब चीज़ को निकाला गया है। अब उम्मीद करते हैं कि ट्रेन हमारी अच्छी चलेगी, और बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहने वाला है अब आपको पता चलेगा। इस ट्रेन से मैं कानपुर तक यात्रा कर रहा हूँ, तो कानपुर तक का जो रिव्यू रहेगा। ट्रेन तो काफ़ी साफ़ सुथरी है, पर जो हो गया सो हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा है, डोर बंद करते हैं, अंदर चलते हैं, और बाकी ट्रेन के कुछ कांच वगैरह भी टूटे हुए तो आप लोगों ने देखा ही। चलते हैं अंदर, अब देखते हैं कैसे चलती है इस ट्रेन, और कानपुर पहुंचकर आप लोगों से पूरी डिटेल में बात होगी कैसा रहा यहां से कानपुर तक का रन। इटावा पे फिलहाल हम लोग एक घंटे की देरी से चल चुके हैं। एक्सप्रेस हमारी ट्रेन ने पार किया, उसके बाद मुसीबतें बढ़ती गईं, और देखते देखते हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। 12:25 हो रहे हैं अभी। हमारी ट्रेन ने गोविंदपुरी जंक्शन को पार किया, उसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से झांसी की ओर लाइन गई हुई है, और एक और लाइन गई हुई है जिसमें हमारी बेतवा एक्सप्रेस जाती है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सी। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। भारत में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताया, इस बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से हैं वो स्टेशन। फिलहाल मर्दर एक्सप्रेस की ये जर्नी यहीं पर एंड होती है। मज़ा है इस जर्नी में, लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया एंड में ये सब चीज़ें देख करके कि हमारी ट्रेन की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। फिर भी हमारी ट्रेन को लगातार चलाया जा रहा था, उसको अच्छे से अटेंड भी नहीं किया गया, ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा मूड ऑफ हो गया। फिर मैं भी रिलैक्स होकर के लेट गया, सोचा वैसे भी रात होगी इसलिए आप लोग से कानपुर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वैसे आप लोगों के लिए ट्रेन जर्नी ट्रेन रिव्यूज़ बनाता रहूँगा, और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी और ढेर सारे आने वाले वीडियोज़ में। इंस्टाग्राम में भी मैंने कुछ अपडेट्स डाली हैं, यहाँ की देखना चाहते हो तो इंस्टा फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी द ट्रेन गुरु, वहाँ से और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी आने वाले वीडियोज़ में। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, जय हिंद दोस्तों, और एंजॉय कीजिए कानपुर का अराइवल। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।